अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. थैंक यू फॉर लाइकिंग माय चैनल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स. और आज मैं आई हूँ खुबानी के मीठे के साथ. चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं. मैंने खुबानी लिए हैं दो बॉक्सेस, अराउंड 250 ग्राम्स था ईच बॉक्स का वेट, तो 500 ग्राम्स की खुबानी ली. ये सॉफ्ट होती है, ज़्यादा कड़क वाली खुबानी मैंने नहीं ली है, थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है ये. और इसको मैंने किया था अच्छे से वॉश और किया था सोक वाटर में. अराउंड मैंने ओवरनाइट के लगभग 8 घंटा मैंने किया था, ओवरनाइट करने की कोशिश की थी, या 5-6 घंटे में यह हो जाता है. आप उतनी देर इसको कर सकते हैं सोक. और ये देखिए मैंने सोक कर लिया था इसको पानी में. और नेक्स्ट डे जब मैंने इसको देखा तो ये देखिए नेक्स्ट डे ये कैसे फूल गई थी. देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई थी और फूल गई थी, और जैसे इसको प्रेस कर रहे थे इसके बीच निकल जा रहे थे बाहर. तो हमारे को इतना सॉफ्ट करना है, इतना हो जाता है ये, ताकि हम उसको आराम से हम इसको प्रेस करें ऐसा बहुत ही केयरफुली और जेंटली, और ये बाहर इसके सीड्स आते जाएंगे. बिल्कुल भी इसको तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है किसी भी चीज़ से. हम प्रेस करते जाएंगे स्लोली, और ये सब एक एक करके देखिए हमको वन बाय वन, थोड़ा है ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस के वन बाय वन हमको लेना है. और इसको वन बाय वन हमको जेंटली प्रेस करते करते इसके सारे जो ये सीड्स हैं हमको वन बाय वन निकाल देने. और ये सीड्स हमको डिस्कार्ड नहीं करने हैं, ये सीड्स हमारे काम आएंगे आगे. तो हमको सीड्स कलेक्ट करने हैं एक बोल में साइड में, तो ये सीड से हम इससे गार्निशिंग का काम करेंगे सीड से. ये देखिए वन बाय वन करके मैंने सब के जो सीड्स थे, जितने भी बीज थे, मैंने निकाल दिए और एक बोल में साइड में कर दिए थे. ये देखिए छोटे बादाम जैसे दिखते हैं ये, बट होता है साइज़ बहुत छोटा इनका. ये हमने रखे हैं साइड में. मीनवाइल हमने अपना जो ये जिसमें हमने भिगाया था एप्रिकॉट, इसको ही मैंने थोड़ा जो ये पॉट था थोड़ा थिक है इसको लिया था मैंने. इसमें जो पानी हमने रात में हमने जितने में भिगाया था उतना पानी उसमें वही वैसे ही रहने दिया है. और इसमें मैंने देखिए शुगर ऐड किया. पानी जब आप एप्रिकॉट को रात को भिगाएंगे आपको उतना लेना है जितना ये सोक हो जाता है, उतना ही आपको पानी लेना है. और इसमें मैंने डाला था कश्मीरी सैफ्रन एंड अराउंड 1 pinch, और डाला था ऑरेंज रेड फूड कलर. आप चाहें या डालें या नहीं डालें, ये ऑप्शनल है, दोनों चीज़ें ऑप्शनल है. बट सैफ्रन से ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ये बहुत ही इसको एनहांस करती है, इसके फ्लेवर को, और इसको डाइजेशन के भी बहुत इसके फ़ायदे होते हैं. और कलर से सिर्फ ये होता है कि ये प्रेजेंट करने के लिए आपका डिश एक डिलाइटफुल जैसा लगता है. आप पर आप चाहते हैं इसको हेल्दी बनाना, आप नहीं चाहते हैं कलर ऐड करना, तो बिल्कुल भी मत कीजिए कलर ऐड. ये देखिए मैंने इसको फुल गैस पे पकाना स्टार्ट किया था. ये देखिए बॉयल हो रहा है, और जैसे ये बॉयल होने लगा हमको गैस बिल्कुल भी ज़्यादा स्लो नहीं करना है, हमको एज इट इज़ रखना है. लेकिन ये ख्याल रखना है लग ना जाए, क्योंकि अगर आपका बॉटम हैवी नहीं है पैन का बॉटम तो हो सकता है ये लगे भी, वैसे ऐसा नहीं लगता है. इन बिटवीन आप स्टर जब भी करते जाएँ अगर लगा तो ज़्यादा स्टर भी मत कीजिए, क्योंकि हमारे जो ये बॉल्स है ये एज इट इज़ रहने चाहिए. हल्का हल्का अगर आप चाहें बीच में तो पानी को हमको इसको पानी जितना हमने डाला था ये पूरा सूख जाना चाहिए. एक तो एप्रिकॉट और थोड़ा सॉफ्टर हो जाएंगे, और थोड़ी सी इसके साथ में ही शुगर वाली और कंसिस्टेंसी भी. ये देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा पानी है. हमको इससे और थोड़ा इसको जो ये ग्रेवी जैसा दिख रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ दैट शुगर एंड वाटर एंड एवरीथिंग, क्योंकि एप्रिकॉट भी थोड़ा सा दिखिए आपको दिख रहा है. इसको पूरा ड्राई अप करना है. इसको और एक दो मिनट करेंगे हम, अराउंड 3-4 मिनट, जब तक ये पूरा ऑलमोस्ट ड्राई ना हो जाए, देन विल सी. मीनवाइल मैंने वो सारे बादाम जो थे हमारे एप्रिकॉट वाले के अंदर जो सीड्स थे वो सारे तोड़ दिए, और उसके सीड्स हमने कर लिए रिमूव. यहाँ मैंने पानी किया है बॉयल, और इसमें मैंने सारे छोटे बादाम डाल दिए हैं, और इसको ढक दिया था एक दो मिनट के लिए. ब्लांच करने हैं हमको ये बादाम, और 1-2-3 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके फिर जब हटाया फिर मैंने देखा ये ऑलमोस्ट डन हो चुका था. इसका जो है ये पील, ये छोटे बादाम का ये हमको करना है रिमूव. इसको पील ऑफ कर देंगे, और पूरे बादामों का हम ये पील कर देंगे, तो ये ब्लांचिंग ऐसे हो जाएगी डन. और ये हमारे जो ये काम आएगा तो ये हमारे गार्निशिंग के काम आ जाएगा. ये दिख रहा है आपको, मैं दिखा रही हूँ आपको पील कैसे. ये थोड़ा गर्म था तो इसको ज़रा हाथ लगाने में वो हो रहा था. ये देखिए
मैंने इसको कर दिया था पील। ये देखिए, ऐसे आपको छोटे छोटे इसमें से गिरी निकलेगी, गिरी भी बोलते हैं इसको, और ये छोटे छोटे बादाम जैसे निकलेंगे इसमें से। ऐसे ही करके हमको सारे वन बाय वन रिमूव करने हैं। ये देखिए, एप्रिकॉट हो गया पूरा ड्राई, और ये हमारा हो गया रेडी सर्व करने के लिए। और इसको आप होने देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा, और फिर आप इसको करेंगे सर्व। गरम इसको नहीं सर्व करते, इसको ठंडा ही सर्व करते हैं। ये निकाला मैंने बोल में, और इसके ऊपर मैंने ये जो सारे बादाम मैंने पील किए थे एप्रिकॉट के ही, और इसी से मैंने इसको किया है गार्निश। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलाइटफुल और बहुत ही डिलीशियस स्वीट होता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से भी बनता है और इजीली बनता है। बट आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, या तो आपका वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें, या तो आप जो कस्टर्ड आता है वनीला का कस्टर्ड आता है उसको उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। उसका थिक थिक ज़्यादा बनाना है आपको वनीला कस्टर्ड, तो उसको लेयरिंग करके आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलाइटफुल और डिलीशियस स्वीट होता है, सिंपल एंड इजी टू मेक। तो डू गिव इट अ ट्राई फ्रेंड्स। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग। जज़ाकअल्लाह फॉर स्टेइंग विद मी। कीप कनेक्टेड फ्रेंड्स।